सब्सक्राइब करिए विक्ट्री लैब को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक वीडियोस पहुंचते रहे रेगुलरली और आपका और मेरा संबंध होता रहे और विश्वसनीय और मजबूत। हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम जी है GRC और दोस्त बहुत बहुत बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो है बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सीन ही ऐसा है यार। यहाँ पर एक नोटिस हमको देखने को मिला है जहाँ पर लिखा गया है कि जो CSVT के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो MCQ एग्जामिनेशन होने वाले हैं। कुछ पैटर्न इस तरीके से होंगे, बहुत सारे PDF यहाँ पर सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि ऑफिशियल माने जा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो PDF आप इतना ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर रहे हैं वो ऑफिशियल नहीं है। डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं ऑनलाइन, इसमें कोई दो राय, ऑनलाइन और MCQ हो सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि जो PDF आप देख रहे हो दोस्त वो डेफिनेटली यहाँ पर ओरिजिनल नहीं है। और इसके कुछ 5 एविडेंसेस भी मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि विक्ट्री लैब चैनल के माध्यम से जब भी मैं आपके साथ बात करता हूँ मैं तथ्यों के बेसिस पर ही बात करने की कोशिश करता हूँ। तो 5 एविडेंस जो है, सबसे पहले जो एविडेंस है वो है जो आप फॉर्म देख रहे हैं और जो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट मैंने बहुत सारे आपको ऐड कर दिए, आप देख लेना। जब भी आप CSVT की साइट पर जाओगे ना तो नोटिसेस के जब कॉलम में जाओगे तो जितने भी नोटिसेस हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं। हमारे 5 पॉइंट में 3 पॉइंट ये है, ठीक है। जो 3 पॉइंट है वो यही है कि पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपका एग्जाम जो होने वाला रहता है या फिर कोई भी नोटिस आती है तो नोटिस का सीरियल नंबर, कभी भी नोटिस का सीरियल नंबर प्रिंटेड नहीं रहता, वो हर बार पेन से लिखा गया रहता है। या पुराने जितने भी ऑफिशियल नोटिसेस है देख लीजिए और आपके पास जो डॉक्यूमेंट अभी शेयर हो रहा है उसमें क्या है, जो डेट है वो आपका प्रिंटेड है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि यहाँ पर सिग्नेचर भी हर बार क्या रहता है कि हर बार वो मैन्युअली किया जाता है हमारे रजिस्ट्रार सर द्वारा, जो भी रजिस्ट्रार के पोस्ट पर डिजिग्नेटेड होते हैं हर बार मैन्युअली किया जाता है सिग्नेचर जो भी नोटिस निकलती है। लेकिन यहाँ पर ये जो नोटिस आ रही है दोस्त, इसमें भी जो सिग्नेचर है ये है आपका क्या, डिजिटल सिग्नेचर। ये अपना और दूसरा एविडेंस। जो तीसरा एविडेंस है दोस्त वो है आपका यहाँ पर डेट भी हर बार जो नोटिस का रहता है दोस्त वो पेन से लिखा जाता है अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पर दोबारा जो डेट है वो प्रिंट किया गया है। और भैया जो चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट में ना बोल के इन सभी में मैं कंप्राइज करना चाहूँगा, बहुत ही बेसिक टेक्निकलिटी है, ध्यान से सुनना ठीक है। और इस वीडियो को आपकी जिम्मेदारी है आग की तरह फैलाना, जितना हो सके उन सारे विद्यार्थियों तक पेनिट्रेट करना जो इस डिलेमा में है कि ये नोटिस ट्रू है कि फॉल्स है। वो ये है कि जब भी एग्जाम फॉर्म या फिर एग्जाम फॉर्म नहीं, कोई भी नोटिस आती है ना CSVT की साइट पर जो आप तक वो PDF पहुंचता है तो उसमें ना हल्का सा कहीं पर पेन का एक मार्क रहता है जो आपको लगता है कि गलती से हो गया होगा, कुछ इस तरीके का वो मार्क रहता है, गलती से पेन चल गया हो कहीं फॉर्म के कोने पे। तो ये गलती से नहीं होता दोस्त, ये जानबूझ के होता है ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए। अब जो चौथा पॉइंट है वो है दोस्त कि जब भी आपका कोई नोटिस आता है वो स्कैन होता है कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा या किसी भी एप्लीकेशन द्वारा, वो भी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है। क्योंकि आप जब उसमें लोगों को देखोगे ना, लोगों बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि वो स्कैंड है, वो क्लियरली समझ में आता है। लेकिन जब भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट अभी शेयर हो रहा है ना उसमें आप लोगों को भैया जितना फैला दो ना, मतलब लोगों को जितना और जूम इन करोगे उतनी बारीकी आप, मतलब लोगों के अंदर जो सैटेलाइट बना है ना वो सैटेलाइट तक आप देख सकते हो। तो इतना बड़ा मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर हमारे प्रदेश में ग्रो कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए उनका, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को बढ़ावा आपको नहीं देनी। तो ये है चौथा एविडेंस। और जो पांचवा सबसे कॉमन एविडेंस है वो है कि वेबसाइट पर अभी भी इंफॉर्मेशन अपलोडेड नहीं है। वेबसाइट पे जब भी कुछ अपलोड होता है आपको उसी को सत्य मानना है, उसके अलावा किसी भी चीज़ को सत्य नहीं मानना है। हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो और क्या हो, MCQ डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये जो नोटिस आप तक स्प्रेड हो रहा है ये नोटिस सत्य नहीं है, इन 5 एविडेंसेस के आधार पर हम कह सकते हैं। एंड क्योंकि यार ऑथेंटिसिटी भी प्रूफ होती है ना, आप जब भी अगर कैसे करोगे भाई कि नोटिस किसी फैकल्टी के पास गया, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में दिखाना रहे, हर यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड होता है और वो बाकी यूनिवर्सिटीज से क्या कोलैबोरेशन कर करके अपने स्टैंडर्ड को रेज करने की कोशिश करता है, ध्यान से समझना। तो कोई और यूनिवर्सिटी बोला कि भैया ऑथेंटिसिटी क्या है आपके नोटिस की, कैसे प्रूफ करोगे आप, डिजिटल सिग्नेचर तो आप किसी का भी रख सकते हैं। तो ऑफिशियली जो पेन से साइन किया जाता है एंड पेन से हर बार नोटिस फॉर्म, डेट एंड सिग्नेचर भरा जाता है, उसको स्कैन किया जाता है, साइट पर अपलोड होता है, यही 5 तथ्य जेन्युइन सिनेरियो को बताते हैं दोस्त।
ये बात ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको साफ बोल देना चाहता हूँ, नीचे कमेंट में ये मत लिखना कि भैया ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, गौरव आपने बोल दिया। क्या बोलूँ यार मैं, आप जब भी कोई टीचर के पास कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हो, उनको ये बोलते हो क्या कि आपके पास आ रहा हूँ, मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा क्या? वो अपनी तरफ से पूरी जानकारी देता है, बाकी आपकी कैपेबिलिटी होती है। ठीक उसी तरीके के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, मैं आप तक हर बार जेन्युइन न्यूज़ विथ जो भी ऑथेंटिक एंड एविडेंसेस के साथ मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन MCQ आपके हो सकते हैं, बट जो न्यूज़ आप तक PDF के मामले से भैया शेयर हो रही है, वो सत्य नहीं है। बाकी तो इस वीडियो को आपकी तरफ फैलाते रहना, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।